तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। कल रांची के रैली में हुए हंगामे पर सांसद चिराग पासवान की एक प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने यह साफ किया है कि यह झड़प जो है यह प्रत्यक्ष रूप से देखी गई है। इससे पहले काफ़ी लंबे समय से इन गठबंधन में झड़प चल रही थी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चल रही थी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि प्रथम चरण का चुनाव जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से प्रथम चरण के चुनाव में ये लोग बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बैठक के अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर लिए, सिंबल तक बांट दिए, तो ये कहीं ना कहीं झड़प का ही एक निशानी है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद चिराग पासवान, पहले इस वीडियो में आप सुनिए। तो भाई ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस, महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहां पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग लोगे। चिराग पासवान ने रांची के रैली में हुए हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो हंगामा हुआ है यह प्रत्यक्ष रूप से झड़प की स्थिति देखने को मिली है। काफ़ी लंबे समय से देखा जाए तो इंडिया अलायंस में झड़प की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव था और चुनाव में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वाम दल का कोई नेता बिहार आना जरूरी नहीं समझे चुनाव को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर, तो ये पहले से ही है कि इन लोगों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्ले लेवल की जो बातें चल रही है इस पे, इस बार इंडिया अलायंस की, खासकर आरजेडी की एक सीट भी इन्हें नहीं मिलने वाली है, यानी कि आरजेडी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।